का जिन्न एक बार फिर निकला है। राहुल गांधी ने अपनी सियासी बोतल से निकालकर बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दरअसल असल मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए कभी विदुड़ी को विवाद को आगे बढ़ा रही है तो कभी वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को उछाल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी इससे निपटने का तरीका तलाश चुकी है और जिसका असर आने वाले चुनावों में दिखेगा। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को लगता है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी को इसका फायदा होगा, तो ये ज्यादा हो सकता है। क्या राहुल गांधी जाति जनगणना का कार्ड खेलकर बहस को नई दिशा देना चाहते हैं? क्या 2024 के चुनाव का सियासी प्लॉट तैयार करने के लिए राहुल लगातार जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं? बीजेपी के माने तो महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है और अब ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 का चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा या फिर किसी नए मुद्दों से नतीजे तय होंगे? सवाल कई है। दिस इज ऑल द बीजेपी ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया। एंड वी हैव लर्नड नाउ हाउ टू डील। हम बेरोजगारी बता देंगे, हम महंगाई को समाप्त करेंगे, हम सुशासन लाएंगे। क्या हुआ राजस्थान? किसान आत्महत्या कर रहा है। द बीजेपी इज नॉट इवन इन द नैरेटिव नाउ, इट्स गॉन। इन फैक्ट द बीजेपी पार्टी हैज बीन डेसिमेटेड, इट्स ओवर। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर भले ही देश की सियासत में उबाल है लेकिन राहुल गांधी ने इसके पीछे नई थ्योरी बताई है। राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी ने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गेम खेला है। व्हाट यू आर सीइंग टुडे, यू नो दिस जेंटलमैन मिस्टर बिधूड़ी एंड देन सडनली दिस मिस्टर निशिकांत दुबे, दिस इज ऑल द बीजेपी ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द आइडिया ऑफ द कास्ट सेंसस। दे नो दैट द कास्ट सेंसस इज ए फंडामेंटल थिंग दैट द पीपल ऑफ इंडिया वॉन्ट एंड दे डोंट वांट टू हैव दैट डिस्कशन। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर कई मुद्दों के जरिए ध्यान भटकाने का आरोप मढ़ दिया। मसलन एक देश एक चुनाव, इंडिया भारत विवाद। एवरी टाइम वी ब्रिंग ए पॉइंट ऑन द टेबल दे यूज दिस टाइप ऑफ स्टफ टू डिस्ट्रैक्ट एंड वी हैव लर्नड नाउ हाउ टू डील विद इट। सर इफ यू आर लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। वी हैव लर्नड हाउ टू डील विद इट। सो व्हाट डिड वी डू इन कर्नाटका? We gave a clear vision for the state. This is the social security program that we're going to set up for you. And then we control the narrative. The opposition. Rahul Gandhi ne ye bhi dawa kiya ki BJP se nipatne ka daav Congress seekh chuki hai. Muddon par niyantran ab unka hai. If you look at the Telangana election, we are controlling the narrative. The BJP is not even in the narrative now. It's gone. In fact, the BJP party has been decimated. It's over in Telangana. If you look at the narrative in Madhya Pradesh, we are controlling the narrative. If you look at the narrative in Chhattisgarh, we are controlling the narrative. No matter what the BJP tries to do, they are not capturing the narrative in. सियासत में वैसे मुद्दों का अकाल तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी की बातों को आगे बढ़ाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस पार्टी के मुद्दों की खनक जनता के बीच होगी उसकी गूंज सियासत में सुनाई जरूर देती है और उसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ता है। इसलिए कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। 60 वर्षों में नहीं हुआ, मोदी जी के 9 वर्ष 9.5 वर्ष के कालखंड में वो जो कभी किसी ने सोचा नहीं, चाहे गरीब कल्याण के काम हो, हर घर में शौचालय, आवाज, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, जिस प्रकार से जनधन के खाते, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, हर सेक्टर में काम हुआ है जो आप, और दावे के साथ कहता हूँ 60 साल बनाम 9 साल, ये 9 साल उन पे सब पे भारी है। ऐसा नहीं कि अब शब्द के लिए किसी के लिए भी माफी है, मुझे लगता है गलत है। बिधूड़ी जी ने किन्हें जो मर्यादा है जिसकी गरिमा को लांगा है, मैं ये नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूंगी और सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन क्या हमको ये भी इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि किस तरह की गंदी भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए होता रहा है और दबे शब्दों में भी नहीं, इस तरह से कि पार्लियामेंट में, क्योंकि लोग सुन सकते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है, यही वजह है कि हर कोई इस पर रोटियां सेक रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, बिहार से पहले 2011 में राजस्थान में लोगों की गिनती जाति के आधार पर की गई, हालांकि आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद की सरकार ने भी इस रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया। कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराई जा चुकी है लेकिन इसका डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया।
कर्नाटक में साल 2014-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इसे असंवैधानिक बताया गया तो इसका नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2017 में कंठास समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। यानी किसी वजह से जाति जनगणना का मुद्दा जो कल तक कारपेट के नीचे था वो आज बहस का विषय है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी को माइलेज मिलता देखकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जाति जनगणना का मुद्दा तेजी से उठा दिया है। अब ये बताइए मुझे, कब राहुल गांधी जी की सीट है वायनाड? अगर हम सुरक्षित कर दें महिला के लिए तो कहीं नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल कारणों से कर दी। इसलिए डिलिमिटेशन आयोग को सौंपा है कि वो तय करेगा अभी कौन सी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। ये तो प्रक्रिया भी इसमें क्या है? ऐसे में जीतन राम मांझी कुछ चुपते हुए सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी हों या घमंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हों, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बोलते हैं तो थेथरोलॉजी है, थेथराई करते हैं। उनको समय मिला, उस समय महिला आरक्षण बिल के बारे में क्या किया? 2024 के रण में उतरने से पहले सियासी पार्टियों में बहस का विस्तार होना बाकी है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी मजबूरियां, लेकिन देखकर तो लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत भर है। आगे सियासी सीन में कई पड़ाव आने हैं। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए aajtak.in पर जरूर जाएं। और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए aajtak.in पर जरूर जाएं। और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।